जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। एक तरफ छात्र और युवा 60-40 नहीं चलेगा यानी 60-40 नहीं चलता के नारे लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चैलेंज कर रहे हैं कि एक हफ्ते में नियोजन नीति लागू करो वरना गद्दी छोड़ दो। इधर 27 फरवरी को रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है और इन सब के बीच 27 फरवरी की शाम कैबिनेट की बैठक है और खबर है कि कैबिनेट की बैठक में नई नियोजन नीति का प्रस्ताव आ सकता है। बताऊंगा कि कैसी होगी नई नियोजन नीति और इसमें बाहरी उम्मीदवारों को रोकने के लिए क्या किया जाएगा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। तो शुरू करते हैं जनमन की बात, जहां रामगढ़ उपचुनाव में छात्रों और युवाओं को लुभाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनावी सभाओं से लेकर सोशल मीडिया तक पर उलझ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वहीं नियोजन नीति को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 22 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया, इसमें लिखा था 1985 नीति पर मिठाई बांटने वाले आजसू और भाजपा वाले क्या जाने 1932 की मांग करने वालों का संघर्ष, यह लोग आपके सामने सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा सकते हैं और पीछे के दरवाजे से आप ही के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, इन लोगों ने झारखंड को सिर्फ पीछे धकेलने का काम किया है। ये मुख्यमंत्री का ट्वीट था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ में अपनी चुनावी सभा में भी इस बात को दोहराया और इसके अगले दिन पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनौती दी कि वे एक हफ्ते के अंदर नई नियोजन नीति और 27% पिछड़ा आरक्षण लागू करें वरना गद्दी छोड़ दें। मूलवासियों के साथ शोषण कर रहे उस जल जंगल जमीन और प्राकृतिक संसाधन को लूटने का, आज मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि मन 1000 करोड़ के अवैध पत्थर में कहां है, हुटवार जेल में, कटमनी कमीशन और सिंडिकेट के आसारे में सरकार चल रही है। कमीशन के चक्कर में कल आपने कल परसों देखा है ईडी के यहां रेड हुआ, मालूम है कमीशन, हम नाम नहीं ले रहे किसी, इनके सिंडिकेट का आज फुटवार जेल। आज तक मुख्यमंत्री जो 1000 करोड़ के अवैध पत्थर में जेल में बंद है, आज तक प्रतिनिधि से नहीं हटा है। इनकी मंशा है झारखंड के प्राकृतिक संसाधन को लूटो और जब चुनाव आएंगे तो अपने वादे जो को पूरा करना था वादे पूरे नहीं किए तो फिर भावनात्मक खेल खेलकर, जो मुख्यमंत्री सदन के अंदर कहता है कि खतियान के आधार पर स्थानीय परिभाषित नहीं हो सकती है, कोर्ट कचहरी में टूट जाएगा, वो मुख्यमंत्री जब गर्दन फंसता हुआ देखा फिर उसने स्थानीय नीति पास की। हमने भी स्थानीय नीति बनाई थी, हमने तो केंद्र सरकार को नहीं भेजी, मुख्यमंत्री अगर करो 27% आरक्षण आप लागू करो, लेकिन ये मुख्यमंत्री सिर्फ जिस तरह 2019 में बरगराया कि हमारी सरकार बनाओ खतियानी सरकार बनाओ, 3 महीने के अंदर क्या करेंगे खतियानी, बोला था ना 3.5 साल हो गया आज। तो वीडियो में आपने देखा रघुवर दास इस बात को ट्वीट करके भी कह रहे हैं, कहते हैं कि झारखंड में हेमंत सरकार जल जंगल जमीन की लूट में लिप्त है, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि अवैध खनन के कारण जेल में बंद हैं लेकिन आज भी उसे हटाया नहीं गया। हेमंत जी एक सप्ताह में खतियान आधारित नियोजन नीति और ओबीसी आरक्षण लागू करें नहीं तो गद्दी छोड़ दें, यह रघुवर दास ने लिखा। उन्होंने आगे लिखा कि 1932 खतियान का वादा कर सत्ता में आई हेमंत सरकार 3.5 साल में भी स्थानीय और
नियोजन नीति नहीं बना सकी है। इस कारण राज्य के युवा सड़क पर हैं। संघर्ष की बात करने वाले नेता को न रोजगार की चिंता है, न राज्य के विकास की चिंता है, तो सिर्फ अपने और अपने परिवार की, ये रघुवर दास ने लिखा था। तो दोनों तरफ से चुनावी माहौल है, जुबानी जंग चल रही है, वीडियोज़ निकल रहे हैं, भाषण हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चीज़ें आ रही हैं। लेकिन इस जंग के बीच, इस नूरा कुश्ती के बीच ऐसी सूचना है कि राज्य सरकार ने नियोजन नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। सरकार 2016 से पहले की नीति को थोड़े से फेरबदल के साथ फिर से लागू करके नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करने की तैयारी कर रही है। संभावना है कि राज्य सरकार 27 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में नियोजन नीति का प्रारूप ले आए। 27 फरवरी को ही रामगढ़ सीट के लिए उपचुनाव होना है और शाम को कैबिनेट की बैठक होनी है। सरकार पर नियोजन नीति लाने का भारी दबाव है। छात्र और युवा इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को चुनाव में सबक सिखाने की चेतावनी भी दे रहे हैं और राज्य सरकार में 3.5 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। झारखंड के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 लाख सरकारी नौकरियों के चुनावी वायदे की याद दिला रहे हैं और छात्रों के गुस्से को देखकर सरकार भी भांप गई है कि अगर जल्द ही नियोजन नीति लाकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं कराई गई तो अगले साल होने वाले चुनावों पर इसका असर पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्टों में हाई लेवल सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि 2016 की नीति में आंशिक फेरबदल हो सकता है। सरकार ने नियोजन नीति को लेकर राज्य के युवाओं के साथ संवाद किया था। राज्य के करीब 7 लाख युवाओं को मुख्यमंत्री का रिकॉर्डेड संदेश भेजा गया था और उनसे राय मांगी गई थी। जानकारी है कि राज्य के 90% युवाओं की एक ही राय है कि सरकार सबसे पहले नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करे। युवाओं की राय के आधार पर ही सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में पहल कर रही है। सूचना के मुताबिक गैर आरक्षित रिक्तियों में, वैकेंसीज में कुछ बैरियर लगाकर सरकार नई नीति बनाने जा रही है या उसके बारे में विचार चल रहा है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार के पहले वाली सरकार, जो रघुवर दास की सरकार थी, उसने 18 अप्रैल 2016 को एक नियोजन नीति लागू की थी और उस नियोजन नीति से पहले जो नीति थी उसमें नियुक्तियों के लिए 50% आरक्षण का, यानी 50% रिजर्वेशन का प्रावधान था। इसमें अब आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए 10% आरक्षण यानी EWS जुड़ गया है, यानी अब कुल आरक्षित सीटों की संख्या 60% हो गई है। तो अब यह है कि आरक्षित श्रेणी में स्थानीय लोगों की नियुक्तियों में जो रिजर्व कैटेगरी के आते हैं उनकी नियुक्तियों में तो कोई परेशानी नहीं है, उनमें झारखंड से जारी होने वाले जाति प्रमाण पत्र ही माने जाएंगे। समस्या अनरिजर्व सीट यानी गैर आरक्षित सीटों पर है। राज्य के छात्रों और युवाओं को आशंका है कि इन सीटों पर बड़ी संख्या में बाहरी उम्मीदवार घुस आएंगे, इसलिए यह जानकारी मिल रही है कि बाहरी उम्मीदवारों की संभावना को रोका जा सके इसके लिए सरकार अनरिजर्व कैटेगरी में कुछ प्रावधान करने जा रही है। नई नियोजन नीति को कुछ ऐसे कंडीशन लगाकर जोड़ा जा सकता है जिससे झारखंड के स्थानीय लोग ही प्राथमिकता के आधार पर इसमें आ सके नियुक्तियों में। तो आपको बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार ने 2021 में जो नियुक्ति नियमावली बनाई थी और उस जिसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था और बाद में उसे खारिज कर दिया गया था, यह कहते हुए कोर्ट ने इसे खारिज किया था कि यह असंवैधानिक है। राज्य सरकार ने इस नियमावली में अनरिजर्व कैटेगरी यानी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं पास करने को कंपलसरी कर दिया था। कोर्ट ने इसे कहा कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद JSSC ने अपने सभी विज्ञापनों को रद्द कर दिया था। लेकिन छात्रों को अब यह आशंका है कि 2016 से पहले की नीति लागू हुई तो जनरल सीटों पर बाहरी उम्मीदवार भर जाएंगे। छात्रों का कहना है कि 40% ओपन फॉर इंडिया नहीं चलेगा, या तो 1985 वाली नीति लाई जाए या बहाली अभी निकाली ही नहीं जाए। छात्रों का यह भी कहना है कि जैसे हेमंत सोरेन सरकार ने 2014 में JSSC JEE की वैकेंसी निकाली थी और करीब 87% बाहरी लोग सेलेक्ट हो गए थे, तो हमारे सामने दूसरे राज्य का आदमी आएगा और नौकरी लेकर चला जाएगा, अब ऐसा मंजूर नहीं होगा। तो अब सरकार के सामने दोहरी चुनौती है।
पहली कि नियोजन नीति लाकर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए, और दूसरी चुनौती ये कि 2016 से पहले की नीति में जैसे 50% गैर आरक्षित पदों पर पूरे देश से आवेदक आकर नौकरी ले लेते थे, उस पर रोक कैसे लगाई जाए। झारखंड के लड़के कह रहे हैं कि हमारे सामने बाहरी आकर नौकरी ले जाएंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वे हेमंत सोरेन को उनकी ही सरकार में हुई नियुक्तियों का उदाहरण भी दे रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या 27 फरवरी की कैबिनेट की बैठक में नियोजन नीति का प्रस्ताव आएगा, और अगर आता है तो सरकार 40% गैर आरक्षित पदों पर बाहरी उम्मीदवारों को रोकने की चुनौती से कैसे निपटेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।